अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और सुबह सुबह जो है हम उठ के आ गए हैं, धूप वगैरह जो है ना वो निकलनी स्टार्ट हो गई हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि धूप वगैरह निकल रही है। आजकल तो जानवर जो है ना फुल धूप शूप सेकते हैं सुबह उठ के। मोर साहब हमारे ऊपर चढ़े हैं, एक बेगम ऊपर चले गई उसकी, एमरल्ड वाली बेगम भी सोच रही है मैं भी ऊपर चले जाऊं। यार दाना लाया था तुम्हारे लिए फ्रेश, मोरों को आप देखें मैं दाना हमेशा फुल रखता हूं, क्योंकि बड़ा जानवर है, इसका कोई पता नहीं होता कि कब जो है ना मुका दे दाना। वो देखें दाना डाला, साथ ही नीचे उतर आया। आ जाओ, मैंने क्या कह देना तुम्हें यार, दोस्ती कर लो मेरे साथ। हम जरा ना दरवाज़ा बंद करके साइड पे होते हैं, साथ ही देखते हैं एक दाना खाने आते हैं। हालांकि दाना पहले भी पड़ा हुआ था, लेकिन फ्रेश दाने को चेक करने ज़रूर आता है हमारा मोर। देखें खा लो, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, देखें फ्रेश दाने को खाने आता है कि ज़रा चेक तो करें ज़रा क्या डाला आज हमें। अब हमारी बर्ड एवियरी में जो है ना सिर्फ कबूतर और बटेर रह गए हैं और डब्स। गाइस अगर किसी को पता कि डब्स भी गर्दान हो जाती हैं कबूतरों की तरह के नहीं होती, तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आगे मैं इनको कबूतरों को अपने गर्दान करना चाहता हूं, तो ये ना हो बीच में से डब निकल के उड़ जाए और वापस ही ना आए। चलो एंजॉय करो। ये देखें जी ब्लैक लक्का हमारा अपने दोनों अंडे छोड़ के जा चुका है दाना खाने के लिए। वो देखें होमर ने किधर अंडा दिया, दो अंडे इधर बिखरे पड़े हैं। चलो देखते हैं क्या बनता है इनका। पानी इनका खत्म हो चुका है, तो फ्रेश पानी इनको डालते हैं जरा। माशाल्लाह काफ़ी कबूतर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते जा रहे हैं। 9 बच्चे हैं इनमें मेरे पास इस टाइम इस बर्ड एवियरी में। पहले जो थे सिर्फ बड़े पेड़ ही थे, लेकिन अब माशाल्लाह से 9 बच्चे हैं और 5 जोड़ों ने अंडे दिए हुए हैं। तो मतलब अगर 5 जोड़े इज्जत से बच्चे निकालें तो 10 बच्चे और आ सकते हैं, 19 बच्चे हो जाएंगे और इनकी आबादी काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि ना लैला उधर अंडों पे कंसिस्टेंटली बैठ रही है और ना लाहौरी शराजी बैठ रहे हैं। वो ये जो किंग की फ़ीमेल बैठी हुई थी ना अंडों पे, ये थोड़ा कंसिस्टेंटली बैठ रही है, और ये जो ब्लैक लक्के की फ़ीमेल है ये अपने अंडों पर बैठ रही है और होमर बैठ रही है। तो 2 जोड़े बीच में से जो है ना वो ऐसे हैं जो अंडों पर कंसिस्टेंटली बैठ नहीं रहे, तो इनके बच्चे भी निकलने बड़े मुश्किल हैं। तो देखते हैं क्या बनता। हम जो है इनके लिए फ्रेश पानी डालते हैं, फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो क्या इस बर्ड एवेरी में पानी डाल दिया हमने, कबूतर वगैरह आके पानी पी रहे हैं। यहाँ पे हमारे अंडे पीने वाली मुर्गी ब्राह्मा कुड़क पे तो बैठी है, लेकिन अंडे तोड़ के पी जा रही है, तो कोई इसने 3-4 अंडे पी लिए हैं। यहाँ पे ये हमारी मुर्गियाँ सारी बेताब हैं बाहर निकलने के लिए। इनको आज बाहर यहाँ से निकालना है, लेकिन बंद वहाँ पे करना है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना हम अंदर कबूतरों के लिए बनवाएंगे कल उस तरह के खुड्डे इस वाले केस में। फिर उसके बाद मुर्गियाँ हम सारी इधर ट्रांसफ़र और पिजन जो है वो इस केज में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो सब करने से पहले हम जो है ना अंडे वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ भाई बबली बड़ा तुमने अंडा दिया। मैंने सोचा था कि आप अलहदा अलहदा हमारे पास खुडे बन गए, तो हम बंटी के लिए 2-3 बबलियां और ले आएंगे, इधर व्हाइट सिल्क की और ले आएंगे,
तो इधर सिल्वर पॉलिश का मेल ला के रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारा जो है ना सेटअप सारा तबाह हो गया। चलो, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है इंसान के साथ, इसमें ऐसे रोने धोने वाली कोई बात नहीं। हम अपने असील लोग खाना डालते हैं सबसे पहले। गाइस, आप ये लेयर चेक करें, कितनी मोटी लेयर है ये इस चावलों के तो, क्योंकि हमेशा इसके अंदर घुसती रहती है और ऐसे खुशक है ये। इसके खनकने की आपको आवाज आ रही है, और फिर भी लोग कहते हैं कि जो है ना सीपी चले जाएगी हमारे घर में। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। चलो भाई, एंजॉय करो। अब जो है ना, आजकल मैं री इवेल्युएट कर रहा हूँ कि मैंने अपने जानवर कैसे रखने हैं सारे, और उसमें आगे सेटअप को किस तरह से चलाना है। क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं ये जो है ना जानवर रखने बंद कर दूँ, या तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम कोशिश करेंगे कि हम किसी एक एक नस्ल की तरफ जो है ना वो चले जाएं। यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमने नस्लें रखी हुई है ना, वो रखने के बजाय कोई एक महंगी नस्ल ला के रख लें, और उससे बच्चे अंडे बच्चे निकलवा के जो है ना वो हम सेल करें, जो कि हमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिले जहाँ से। चलो भाई, ये सोचा मैंने, लेकिन अभी इसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है मुझे कि ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ ये पॉसिबल भी है या नहीं। मेरे ऊपर जंपे नहीं लगाओ, मेरे ऊपर जंपे नहीं लगाओ, चेक करें मेरा। ये हमारा, लो जी अंडा ही तोड़ दिया भाई, शाबाश, तेरे नुकसान कर दिया 1000 रुपये का। तुमने किसने कहा था रास्ते में अंडा दो भाई? ये है अभी ब्लू और पिंकटन का अंडा, अब इसको हमें पका के खाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं इनके साथ होता क्या। अब क्यों आ रहे हो अंदर हैं? देख रहे तो सही, जरा ये कैसे सारे इस केज के अंदर जाते हैं। इनका इलाज है ये। चले जाओ इधर से, जाओ इधर से, इधर से जाओ। चार पांच मुर्गियां चली गई, उन्होंने सारा कुछ अच्छा अच्छा खा लेना, तुम लोग भी जाओ अंदर। चलो 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 चलो। मुर्गा कहता नहीं, मैंने अपने केज में जाना है। हमारी मुर्गी यार, तुम्हारी तो मेरे साथ दोस्ती है, तुम तो ना ऐसे करो मेरे साथ। चलो 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 चलो, ले जी। ट्रांसफर हो गया हमारी मुर्गियों का उधर से इधर। अब गिन ले, चार मुर्गे, दो वाइट मुर्गियाँ, एक ब्लैक मुर्गी, एक ब्राउन मुर्गी हमारी, गोल्डी, गोल्डन, गोल्डन बफ, ब्लू और पिंकटन, पूरी हैं हमारी मुर्गियाँ भाई। इनको दाना डालना रह गया, इनका मैंने अंडा उठा लिया लेकिन दाना नहीं डाला इनको अभी तक, तो इनको भी जो है ना वो दाना जो है वो डाल देते हैं। ये भी हमने उठा कर उधर लेके जाना था, ये तो हम भूल ही गए थे। चलो भाई,
चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। नेक्स्ट जो है ना फिर हम ये किया करेंगे, यहाँ से मुर्गियों को बाहर निकाल के वापस अंदर किया करेंगे, यहाँ से कबूतरों को ऐसे बाहर निकाल के दाना दूना खिला के वापस अंदर किया करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सोची हुई हैं हमने करने के लिए, अगर मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला ने मौका दिया हमें तो बस अब बंटी पब्लिक के लिए दाना और ब्रह्मा के लिए थोड़ा सा दाना ले आते, बाकी हमारे काम सेटअप के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मोर चेक करें, धूप सेक रहे हैं सारे। बंटी बबली को और ब्रह्मा के लिए खाना डाल दिया, ये खुद ही खा लेगी। इसको मैंने हिला के देखा, इसके नीचे काफ़ी अंडे जो हैं वो गर्म थे, लेकिन चार पांच अंडे ना इसने साइड पे निकाले हुए हैं। ये देखें, मारती बिल्कुल भी नहीं है ये देखें। तो अंडे इसने जो है ना सही एडजस्ट नहीं करते, ये क्या ही किया जा सकता है इसका। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग जो है वो यहीं तक था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।